आज सुकून की नींद सोऊंगी मैं। लो, सब अपने अपने सवारी पर बैठकर चले गए। मुझे तो चलकर ही जाना पड़ेगा। अरे ओ कपालिका, जा तू भी जाके तेरे हवन कुंड, मेरा मतलब है गुफा में जाके सो जा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शांति। नहीं रुद्र, तुम नहीं मर सकते रुद्र। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम्हें वापस जिंदा करूंगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। गुरुदेव, गुरुदेव देखिए ना इसे क्या हुआ। गुरुदेव इसे बचा लीजिए। गुरुदेव क्या हुआ? चल मणि, तब तो इसका बचना मुश्किल है शिवांगी। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसे बचाना होगा गुरुदेव। मेरे बदले के लिए इसने अपनी जान दे दी, ये नहीं मर सकता। कुछ कीजिए गुरुदेव, इसे बचा लीजिए। दो मुझे। जय भोलेनाथ, शिवांगी अब कुछ नहीं हो सकता। इसकी अंतिम सांसें जा चुकी, ये नहीं मर सकता। इसे जिंदा होना होगा, शिवजी को इसे जिंदा करना होगा। वो अपने नागों को, अपने सबसे बड़े भक्तों को ऐसे मरने नहीं दे सकते। इसे तो होना होगा गुरुदेव, गुरुदेव कोई तो उपाय होगा इसे बचाने का। जय भोलेनाथ। हाँ हाँ, शिवांगी एक उपाय है, सुनहरी बूटी, जो सिर्फ और सिर्फ इच्छाधारी नाग नागिन को बचाने में काम आती है। ये बूटी कहाँ मिलेगी? जब कोई नाग मरता है तो उसकी सांसें तो चली जाती, पर 8 घंटे में अगर वो बूटी उसे मिल जाए तो उसे बचाया जा सकता है। ये सुनहरी बूटी समुद्र की गहराई में मिलेगी, चांद की रोशनी तुमको वहां ले जाएगी। पर याद रखना, उस बूटी को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिच्छुओं का राजा वृश्चिक उसकी रखवाली करता है। उस बूटी को पाने के लिए तुम्हें उससे युद्ध करना पड़ेगा, उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं लड़ूंगी, मैं वृश्चिक से लड़ूंगी, बूटी पे लेकर आऊंगी। समय बहुत कम है शिवानी, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले तुम्हें वो बूटी यहाँ लेकर आनी होगी। पर याद रहे, सूरज की किरणों ने तुम्हें या रुद्र को छू नहीं लिया तो ये बूटी रुद्र को बचा नहीं सकेगी। जल्दी जा। जी गुरुदेव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
शिवांगी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? ये लो, रुद्र के घाव पे लगा दो। शायद देर हो गई जड़ी बूटी लाने में। रुद्र, शिव जी ने अपने भक्त को बचा लिया, दुष्टों को हरा दिया, तुम ठीक हो गए रुद्र। शिवांगी, अपनी जान पे खेल के तूने इसकी जान बचाई है, आज ये जिंदा है तो तेरे कारण। जय भोलेनाथ। शिवांगी ने मुझे बचाया, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मैं गुफा में था और उन लोगों ने मुझे मार दिया। मैं जान गई थी कि उन लोगों ने तुम्हें नागजान में फंसा लिया। मैं तुम्हें ऐसे कैसे मरने देती रूथ? लेकिन शिवांगी, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान, तुम इस वक्त आराम करो, तुम्हें अपनी शक्तियां भी वापस पानी है, हमारी सारी शक्तियां चली गई। शिवांगी, उस सुनहरी बूटी को पाने में तूने भी अपनी शक्तियां गवा दी। मैं तुम्हें शिव का काढ़ा पिलाऊंगा, उससे तेरी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। जय भोलेनाथ। शिवांगी, मैं मर चुका था, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, लेकिन ऐसा करते वक्त अगर वो लोग तुम्हें देख लेते तो तुम्हारी माँ का इंतकाम कैसे पूरा होता? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम भी मेरे लिए यही करते। हम उन कातिलों जैसे नहीं जो अपनों की जान लेते हैं, और ये सब मैं अपनों के लिए ही तो कर रही हूँ।
अगर ऐसी बात है तो आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी अमानत है। नहीं नहीं शिव जी की, ये सब छोड़, तुम्हें इस वक्त आराम करना चाहिए। नहीं, ये पी ले। शिवांगी, तू रात भर घर से बाहर रही, घर वापस जा, नहीं तो उन्हें तुझ पर शक हो जाएगा। जी नमस्कार। जय भोलेनाथ। शिवांगी, मैं आज तक उस परिवार से अपनी बीवी का इंतकाम ले रहा था।